सो गाइज आई होप आप सब ने मेरे पास तुम हो का एपिसोड 12 पार्ट 2 देख लिया होगा। थोड़ी देर पहले हमने जो डाला था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो, एंड उसमें अभी देखना है कि क्योंकि शैवार घर पे आ चुका है एंड बस अंदर होने ही वाला है, उसका प्रवेश करने वाला है, वेलकम करेंगे हमारे दानिश भाई उसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज की ये देखने वाली है अभी कि वो बातचीत क्या होगी उनकी। बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो गाइस आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक दरखास्त करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो चलिए गाइस आज के वीडियो का आगाज करते हैं। कोट पेंट डाल के आया, मतलब ब्याह है तेरा है? सॉरी मैं बताना भूल गई थी। कोट पेंट डाल के आ गया भाई शेवार भाई हमारा। बेल बजाई दी उसने आके। हाय मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए शेवार साहब। यहाँ पे सर पे क्या हुआ? एक्सीडेंट, हम बाइक वालों के छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। हम बाइक वालों, आइए बैठिए, आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मैं सीरियस रहना चाहता हूँ, मथा सो छन्नी चन्नी शांति। बेगानी हो चुकी है अभी तो। बैठो, तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। शेवार ऐसा लग रहा है मुक्के मार के बिठाया था इसको किसी ने। शक्कर मैं नहीं पीऊंगी। पीने तो पड़ेगी। आपको पता है शेवार साहब, जब मैं इससे प्यार करता था और जब ये मुझसे प्यार करती थी तो मेरा कद पूरे 6 फुट था, गर्दन में थोड़ी अकड़ थी। वो क्या है, जब बीवी वफादार हो तो मर्द तन के चलता है। वफादार भिगो भिगो के मार रहा है प्यार से। लेकिन शेवार साहब का छोटा हो गया मेरा, कई दिनों से लगता है कि अब मैं एक चूहे जितना किसी के पैरों तले आके कुचला जाऊंगा। कि मर्द औरत का रिश्ता भी अजीब होता है शमार साहब, वो नजर भर के देखती रहे तो खुदा कर देती है, वो नजर फेर ले तो खुदा से जुदा कर देती है। दुख को समझ सकता हूं दानिश साहब, लेकिन टाइम हैज चेंज ना, इस तरह होता है। लड़कियों को जाने के बाद एहसास होता है कि उनकी पिछली मोहब्बत गलत फैसला था। उस वक्त हम मर्दों को उनकी मदद करनी चाहिए, आपकी तरह बड़ेपन से रुखसत कर देना चाहिए। तुम्हारे साथ से जाएंगी तुम भी मदद करना तो फिर उसको जाने के लिए। तलाक दे दी है मैंने। दैट्स ग्रेट। ये ना कहिए शबा साहब, मुझे लगेगा कि ग्रेट
फुसफुसा सा लफ्ज है जो हम कहीं भी बोल देते हैं। टूटे हुए घर के मलबे से किसी की जमा पूंजी को चोरी करना क्रेप तो नहीं होता। सही बात। कमरे में जा। कमरे में कैसे जा सकती हो तुम? कमरे से रिहाई का परवाना दे चुका हूँ तुम्हारे हाथ में। तुम वहां नहीं जा सकती। बैठो अपनी जगह पे। वाओ, आई लाइक इट। तो मैं क्या कह रहा था शिवा से? पता नहीं कुछ कह रहे थे आप कह रहे थे कि मर्दों को हेल्प करनी चाहिए, उन लड़कियों की जो पहली मोहब्बत के चुंगल से भागना चाहती है या जिनको बाद में पता चलता है कि पहले गलती हो गई। तो याद रखिएगा शिवा से, हेल्प कर दी है मैंने। जाने का सामान भी बांध दिया है, ये देखिए। भाई दानिश ना भाई, ओए है भाई, मैं फैन हो चुका हूँ भाई दानिश। सच में बोल रहा हूँ भाई, कसम से। ये रहे बैग। अब रूमी के सिवा इसकी कोई चीज बाकी नहीं। अब चाय पी लेते तो अच्छा लगता शिवा सर। नहीं जी शुक्रिया, तुम भी नहीं पियोगे? नहीं। फिर जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा था। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। आइए ना शबार साहब, अब 9 बजे या 2 बजे से क्या फर्क पड़ता है? चलो रसमन ही सही, मुड़ के मुझे देख तला तोड़ते तालुक को निभाते जाओ। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। उस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। 2% की लड़की, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जा। देखा भी नहीं उसको। Sure.
ऐसे लोग तो भी खुश रह नहीं सकते ना। कर्मा हिट बैक, वेरी बैड, वेरी बैड। कोई नहीं यार, चल कल ऑफिस जाना, सो जाओ। बेचारे की चाय भी नहीं पीती किसी ने, वेस्ट कर दिया दूध। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए बचा कर नजर को गुजर जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन मेरे पास तुम हो एपिसोड नंबर 12। बहुत ही बेहतरीन था ये, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल था ऑफ कोर्स। फाइनली छोड़ के चली गई है, बट उसके जो डायलॉग्स थे ना, दम है भाई उसके डायलॉग्स में, हुमायूं भाऊ के। बोला दानिश ने, बोले मैं आपको अच्छा बिजनेसमैन समझता था, आपने एक 2 टके की लड़की के लिए मेरे को 50 मिलियन ऑफर किए। लाइक सीरियसली, मैं सोचा नहीं था कि वो महविश के बारे में ऐसा बोलेगा, क्योंकि जिस तरह से, मतलब मेरे को लगा यार, बट उसने ना सही आईना दिखाया उसको, सही बिल्कुल सही भाई। उस अपने रूम में जाने लगी थी, उसको रूम में तक जाने नहीं थे भाई। प्यार 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 से हलाल किया ना उसने, जो स्वाद आया देख के। एंड देखते हैं अभी नेक्स्ट सीन में क्या होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में। चंपक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।